अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। जी तो आज मैं आपके लिए छोटा सा एक ब्लॉग बना रही हूँ। जी मैं और अम्मी जा रहे हैं यहाँ मार्केट, कुछ घर की चीज़ें वीज़ें लेनी थी, राशन ख़त्म हुआ हुआ था तो वह हम लेने जा रहे हैं स्टोर। महीने की ग्रोसरी हम हर महीने कर लेते हैं। ये होता है कि महीने का सारा राशन अगर हम ले आए इकट्ठा ही तो चीज़ों में बरकत हो जाती है और बार बार बाहर जाना नहीं पड़ता। ये होता है कि अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके आओ तो उसमें बरकत नहीं होती। महीने का लेके आने से ये होता है कि चीज़ों में बरकत हो जाती है और महीना आराम से गुजर जाता है। यहाँ मैं और मम्मी आ चुके हैं स्टोर में, तो यहाँ से हम चीज़ें ले रहे हैं जो हमें ज़रूरत है। तो अब हम आ चुके हैं घर, ये देखें हम ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर आए हैं। यहाँ मेरी अम्मी अब कैबिनेट में ये सारा सामान लगाएंगी, सेट कर देंगी। तो इतनी देर में मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ का टाइम जा रहा है। यहाँ मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ मेरी अम्मी आटा गूंद रही हैं। आटा ख़त्म हो गया था, हम एक दिन का आटा गूंद कर फ्रीज़र कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, इससे आसानी रहती है, बार बार आटा गूंदना नहीं पड़ता। यहाँ मेरी अम्मी ने आटा गूंद लिया है और आटे के ऊपर अम्मी मेरी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगी। ऑयल लगाने से ये होता है कि आटा ऊपर से काला भी नहीं होता और पापड़ी भी नहीं जमती आटे की, फ्रेश रहता है आटा। यहाँ मेरी अम्मी ने आटा गूंद लिया है, मैं उसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। यहाँ मैंने अब फ्रिज में रख दिया है इसे। और जी यहाँ मैंने बनाई थी चाय, मैं और मेरी अम्मी अब पियेंगे चाय। शाम का टाइम है, मगरिब का वक्त होने वाला है। यहाँ मैंने थोड़े से लिए थे कुरकुरे और साथ में लिए थे बिस्किट। चाय के साथ अगर कोई चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। मैं और अम्मी यहाँ पे चाय एंजॉय करेंगे और साथ में टीवी देखेंगे। सर्दियों का मौसम है और जितनी बार भी चाय मिल जाए अच्छी लगती है। और मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू के सैंडविच, जिसके लिए मैंने ले लिया है एक अंडा, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से उसको बीट कर लिया था। यहाँ पे मैंने लिए हैं चार ब्रेड के स्लाइस, जिनके कॉर्नर्स मैंने कट कर दिए थे। यहाँ लिए मैंने आलू के कबाब। यहाँ मैंने लिए है ग्रीन चटनी, पुदीने की चटनी, मायोनीज़, केचप। चले हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ले लिया है एक फ्राई पैन और उसमें मैंने डाला है आधा कप ऑयल। आंच हमने मीडियम ही रखनी है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें आलू के कबाब अंडे में डिप करके इसमें रख दूंगी। ये देखें अंडे में अच्छे से कोट करके हम इसे फ्राई करेंगे।
ये देखें ये हमारे कबाब जो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये हमारी झटपट से बनने वाली रेसिपी है, झटपट आलू के सैंडविच। ये देखें हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे कि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये हमारे कबाब बनकर तैयार हैं, हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अब हमने जिस फ्राई पैन में आलू के कबाब बनाए हैं, फ्राई किए हैं, हम उसी फ्राई पैन में अब ऑयल निकाल कर उसमें हम ब्रेड के स्लाइस जो हैं हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, तो दोनों साइड से। ये देखें एक साइड से हो गए हैं ये हमारे गोल्डन, हम साइड चेंज कर रहे हैं। और अब मैंने यहाँ ले लिया है फ्राई पैन में एक चम्मच ऑयल, और जो हमारा अंडा बच गया था वो हम ज़ाया नहीं करना चाहते, उसको हम फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ हम बनाते हैं अब सैंडविच। यहाँ मैंने ले लिया है ब्रेड का स्लाइस जिसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप और ग्रीन चटनी, पुदीने की चटनी एक टीस्पून, केचप और ग्रीन चटनी को अच्छे से ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड स्लाइस के। अब हम इसके ऊपर रखेंगे आलू के कबाब जो हमने बनाए थे, उसकी कबाब को हम रख देंगे और एक अंडा रखेंगे और दूसरे स्लाइस पे हम मायोनीज लगाएंगे। ये देखें मैं अच्छे से इस पे मायोनीज लगा रही हूँ। और अब हम इसको ब्रेड पे रख देंगे, आलू के कबाब के ऊपर रख देंगे और इसको हम बीच में से कट कर लेंगे और दूसरा भी सैंडविच हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये देखें हमारे आलू के सैंडविच बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इसके साथ ही मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो मेरा छोटा सा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह।